सभी के समक्ष हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीए भाग एक हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें नाटक, निबंध एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं आती हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग इस समय सीमा रेखा एकांकी का अध्ययन करेंगे। सीमा रेखा एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के चर्चित रचनाकार लेखक हैं। मित्रों, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसके विषय में जानते हैं। हम लोग सबसे पहले सीमा रेखा एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। फिर सीमा रेखा एकांकी का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए इसकी प्रासंगिकता और महत्व को समझेंगे, और पुनः सीमा रेखा एकांकी की व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे। आप सभी ध्यान देंगे सीमा रेखा एकांकी की कथा और इसके पात्रों के ऊपर। सबसे पहले हम पात्र परिचय आप सभी को देते हैं। सीमा रेखा एकांकी में चार पुरुष पात्र और चार महिला पात्र हैं, कुल आठ पात्र हैं, और ये सभी आठों पात्र एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो पुरुष पात्र हैं, सबसे पहले उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्मी चंद्र परिवार के सबसे बड़े भाई हैं, व्यापारी हैं। इनसे छोटे भाई हैं शरद चंद्र, जो सरकार में उपमंत्री हैं। तीसरे नंबर के भाई हैं सुभाष चंद्र, जो राजनीति करते हैं और जन नेता हैं। चौथे नंबर के भाई पुलिस कप्तान हैं, कैप्टन विजय। क्रमशः इसी तरह तारा लक्ष्मी चंद्र की पत्नी हैं, अन्नपूर्णा शरद चंद्र की, सविता सुभाष चंद्र की तथा उमा कैप्टन विजय की पत्नी है। अब हम ये देखेंगे कि एकांकी कला के आधार पर या नाट्य कला के आधार पर, एकांकी के तत्वों के आधार पर इस एकांकी का क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह एकांकी हिंदी साहित्य के यशस्वी रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एक रेडियो एकांकी। रेडियो एकांकी किसे कहते हैं? रेडियो एकांकी रेडियो पर पात्रों के द्वारा बोली जाती है, न कि इसका मंचन किया जाता है। लेकिन सीमा रेखा एकांकी रेडियो एकांकी होते हुए भी एक ऐसी एकांकी है जिसका सहजता से रंगमंच पर भी अभिनय किया जा सकता है। एकांकी में एक ऐसे परिवार की कथा है जिसमें चार भाई समाज के अलग अलग चार वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र व्यापारी हैं, उनसे छोटे शरद चंद्र सरकार में उपमंत्री हैं, तीसरे नंबर के भाई सुभाष चंद्र राजनीति करते हैं और जननेता हैं, चौथे नंबर के जो भाई हैं कैप्टन विजय वो पुलिस कप्तान हैं। तो ये चार अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक के तत्वों के आधार पर अब हम एकांकी और नाटक के जो तत्व होते हैं वो क्रमशः कथानक, देशकाल एवं वातावरण, जो संवाद योजना है, जो पात्र योजना है, ये क्रमशः सब होते हैं। तो हम एक एक करके इसके मूल्यांकन के लिए इन तत्वों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एकांकी का शीर्षक जो सीमा रेखा नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? देखिए, सीमा रेखा का मतलब विभाजक रेखा है। यह विभाजक रेखा किसके किसके बीच में है इस एकांकी में हम इसे जानेंगे। निश्चित रूप से यह नाम बड़ा कौतूहलपूर्ण है और हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है कि सीमा रेखा किस चीज की सीमा रेखा है। एकांकी का कथानक क्या है? एकांकी की मूल कथा क्या है? एक परिवार के एक ही कमरे में सारी घटनाएं घट रही हैं और शहर के अंदर कई घटनाक्रम हो रहे हैं, उन घटनाक्रम की सूचना उस घर के अंदर आ रही है। एकांकी की कथा वस्तु का संगठन एक ही परिवार के चार भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के ताने बाने से किया गया है। चारों भाइयों के अपने अपने स्वार्थ हैं, क्योंकि चारों अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनके विचार भी अलग अलग हैं। ये चारों भाई भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे हुए हैं। लक्ष्मी चंद्र व्यापारी हैं, शरद चंद्र उपमंत्री हैं, सुभाष चंद्र जन नेता हैं और विजय पुलिस कप्तान हैं। अरविंद 10 वर्ष का एक बच्चा है जो बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र जी का पुत्र है। एक दिन बैंक के पास उग्र आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। जैसा कि आमतौर पर आज के समाज में होता है कि समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव होते हैं, आंदोलन होते हैं, कोई शांतिपूर्ण धरना हो रहा होता है तब तक अचानक एक अराजक तत्व जाकर माहौल को बिगाड़ देता है। ये एकांकी हमारे आजकल के परिवेश को ही दिखाती है। उसमें माहौल बिगड़ने लगता है और अचानक
जनता के उग्र होने के बाद बैंक के पास पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और उस गोली का शिकार कौन होता है? उस गोली का शिकार होता है इस परिवार का बच्चा अरविंद, बड़े भाई व्यापारी लक्ष्मी चंद्र का बेटा अरविंद जनता की ओर से मारा जाता है, क्योंकि वह जनता की ओर है, वह सरकार का मुलाजिम नहीं है, वह नौकरशाही में नहीं है, वह सरकार का मंत्री नहीं है, वह सरकार का प्रतिनिधि या कोई कर्मचारी नहीं है, तो वह जनता की ओर से एक क्षति हो गई। लक्ष्मी चंद्र और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा इसे विजय की क्रूरता कहते हैं और तर्क वितर्क होने लगता है सरकार की नीतियों पर, सरकार के रवैये पर, लोकतंत्र में सरकार को कैसे होना चाहिए, इस पर प्रश्न उठाए जाए लगते हैं। पुनः भीड़ अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती है। विजय और सुभाष भीड़ के सामने खड़े होकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। इन सारे तर्क वितर्क के बीच में जब परिवार के अन्य सदस्य मंत्री शरद चंद्र और कैप्टन विजय को ताने मारने लगते हैं, लोकतंत्र में किसकी क्या भूमिका है, जब इस पर सविता सवाल खड़े करती है, तो नाराज होकर कैप्टन विजय कहते हैं कि ठीक है, तब मैं जनता का सामना करने के लिए जा रहा हूं, जनता चाहे मेरे ऊपर पथराव करे, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करे, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। जनता की ओर से पैरवी करने के लिए कैप्टन विजय के बड़े भाई जन नेता सुभाष चंद्र भी जाते हैं। दोनों अलग अलग जाते हैं और दोनों ही उग्र भीड़ के द्वारा कुचलकर मारे जाते हैं, यानी कि तीन मौतें होती हैं एक ही परिवार में। सरकार की ओर से कैप्टन विजय मारे जाते हैं और जनता की ओर से सबसे बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का बेटा अरविंद तथा तीसरे नंबर के भाई जन नेता सुभाष। अब इस एकांकी का वातावरण क्या है? एकांकी का वातावरण वही है जो इस समय हमारे देश के हालात हैं। हम देखते हैं कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक छात्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन, मजदूर संगठनों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन कई बार नियंत्रण खो बैठते हैं और इससे देश के जन धन और चरित्र की हानि होती है। यह देश की हानि है, सरकार की हानि है कि जनता की हानि है, इसी सीमा रेखा को यह एकांकी तय करती है। इस एकांकी की कथा वस्तु बड़ी सजीव, विचारोत्तेजक, गतिशील, घटनामयी और मर्मस्पर्शी है। तेजी से घटनाक्रम होते हैं। संपूर्ण कथानक उपमंत्री शरद चंद्र के कमरे में कुछ मिनटों में ही घटित हुआ है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और सभी अपने अपने कर्तव्य की भरसक बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता, कुछ कह रहे हैं लोकतंत्र में जनता की भूमिका सर्वोपरि है। सरकार के पक्ष में जो शरद चंद्र और कैप्टन विजय हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार भी चुपचाप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ऐसे ही वातावरण में यह एकांकी एक बड़े संघर्ष में बदल जाती है और उस संघर्ष का समापन होता है तीन मौतों के साथ। इस एकांकी के जो पात्र हैं उनका चरित्र कैसा है, हमने आपको बताया कि इस एकांकी में कुल आठ पात्र हैं, जिनमें से चार पुरुष और चार महिला पात्र हैं। पात्र कथानक की दृष्टि से सभी पात्र बहुत महत्वपूर्ण और रोचक हैं। जब हम उनके चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि सबकी अपनी भूमिका है और सभी बहुत ही उपयोगी पात्र हैं। उपमंत्री शरद चंद्र एवं पुलिस कप्तान विजय सरकार का पक्ष लेते हैं, जबकि बड़े भाई व पेशे से व्यापारी लक्ष्मी चंद्र तथा जन नेता सुभाष चंद्र जनता के पक्ष में तर्क देते हैं। इन सबके बीच सविता लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है और वो कहती है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जनता की क्षति है और ये सरकार की क्षति है, जनता की क्षति हो या सरकार की क्षति हो, यह पूरे देश की क्षति है। संवाद कैसे है? एकांकी के संवाद बहुत ही सहज, रोचक और प्रभावशाली हैं। जब हम इनको पढ़ते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये घटनाक्रम हमारे सामने ही हो रहा हो। एकांकीकार ने बहुत ही जबरदस्त भाषा का प्रयोग किया है संवादों में और सभी संवाद पात्रानुकूल तथा कथानक को आगे बढ़ाने में उपयोगी है। एक उदाहरण देखते हैं, सविता का यह कथन है, बात यह है कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं, आप निरंकुश होते जा रहे हैं। यह बात वह उपमंत्री शरद चंद्र से कहती है।
सरकार कई बार अपने नियंत्रण को खो देती है और सत्ता की हनक में, सत्ता के मद में वह इस प्रकार के निर्णय लेने लगती है जिससे लाखों लाखों जनता त्राहि त्राहि करने लगती है। और हम इसका उदाहरण नोटबंदी या कोरोना की घटना से उपजे मजदूरों के पलायन से भी देख सकते हैं। इस एकांकी की भाषा शैली कैसी है? इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने वैचारिक मतभेद, स्वार्थपरकता एवं पारिवारिक वातावरण को चित्रित करने के लिए आम बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया है और उसमें सभी तरह के शब्द जो आम बोलचाल की भाषा के की शब्दावली होती है उसमें ये नहीं होता है कि भाषा की शुद्धता का व्यर्थ का आग्रह हो। उसमें सभी तरह के शब्द आते हैं, हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी, अरबी के भी, फारसी के भी, और इसी से भाषा में नाटकीयता और रोमांच भी उत्पन्न होता है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा को हम कह सकते हैं कि वह पाठक और श्रोता के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। इस एकांकी के उद्देश्य क्या है? यह एकांकी हमारी चेतना को जागृत करती है और लोकतंत्र में हमारी आस्थाओं को बढ़ाती है। लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें जनता और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब के प्रति यह एकांकी हमें जागरूक करती है। जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई विभाजक रेखा नहीं होती जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच। यहां लेखक ने इसीलिए इस एकांकी का नाम सीमा रेखा रखा है कि हम समझें कि सरकार अलग और जनता अलग नहीं है एक लोकतांत्रिक देश में। कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग हैं और उन प्रसंगों के आधार पर हम ये तय पाते हैं कि इस एकांकी का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। वास्तव में सीमा रेखा एकांकी एक परिवार की स्थिति के आधार पर पूरे देश की स्थिति एवं भावनाओं को प्रकट करती है। जनता और सरकार के बीच समय समय पर टकराव होते हैं, जनता सरकार को दोषी ठहराती है, सरकार अपना पक्ष लेते हुए कानून और संविधान का हवाला देती है, और इन सबके बीच में जो देश के चरित्र का, देश की जनता का या सरकार के पक्ष का नुकसान होता है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्षणिक ध्यान जाता है लेकिन फिर मामले वैसे ही चलते रहते हैं। निश्चित रूप से हमें ये समझना होगा कि सरकार, संविधान और जनता, इन तीनों की क्या भूमिका है। अब हम इसके कुछ प्रसंगों की व्याख्यात्मक आलोचना करते हैं। सीमा रेखा में कुछ ऐसी बातें आती हैं जैसे सविता के कथन है, सुनिए भाई साहब, बात यह है कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं, आप निरंकुश होते जा रहे हैं, आप अपने को केवल शासक मानने लगे हैं, आप भूल गए हैं कि जनराज में शासक कोई नहीं, सब सेवक होते हैं। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री भी स्वयं को सेवक बताते हैं, लेकिन एक सेवक का स्वभाव, उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति उसकी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए और वह कितना दूरदर्शी है, उसकी नीतियों का दूर तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन बातों को भी हमें महत्व देना चाहिए। सत्ता के मद में ऐसे फैसले करना, ऐसे निर्णय लेना जिससे देश की जनता और लाचार और मजबूर हो, विवश, ये कतई उचित नहीं है। सविता का ही एक कथन, व्यंग्यात्मक कथन है, जरूर होगी जनता के नेता अब पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता के आगे होकर गोलियां खाई, जो एक दिन जनता की आंखों के तारे थे, वे ही आज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। जब शरद चंद्र पुलिस के पहरे में जाने की बात करते हैं, तब सविता यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके कहती है कि अगर जनता ने ही आपको इस जगह पहुंचाया है, आपको प्रतिनिधि बनाया है, आपको अपना नेता चुना है, तो आपको फिर जनता से डरने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आपका बर्ताव ऐसा है, यह शासकों वाला बर्ताव है, इसलिए ही आपके अंदर यह डर बैठा हुआ है। यदि आप सही हैं तो आप सामना करिए सच्चाई का और न्याय करिए सबके साथ। मित्रों, इस आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर भी प्रकट होते हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के हम कुछ प्रश्न यहाँ देखेंगे। जैसे सीमा रेखा एकांकी के लेखक कौन है, आप सभी अब तक कई बार चर्चा आ चुकी, आप सभी जान भी चुके होंगे कि इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसी तरह एक प्रश्न और है, सीमा रेखा किस प्रकार की एकांकी है। एकांकी के शुरुआत में ही चर्चा आई है कि यह एक रेडियो एकांकी है। कुल मिलाकर सीमा रेखा एकांकी यह बताती है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच में
कोई भी सीमा रेखा नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।